व्हाट्स अप गाइस, मेरा नाम है अभिलाष ठाकुर एंड वेलकम टू सेलर्स गाइड। इस वीडियो में मैं आपको ईबीडी के बारे में बताऊंगा। मैं एक ट्रेनिंग ईबीडी को यूज़ करके डेमोन्स्ट्रेट करूंगा कि ईबीडी कैसे यूज़ करा जाता है, और इसके साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा कि उसकी लोकेशन कैसे फाइंड आउट होती है, कहाँ कहाँ पर ईबीडीज हैं, आपको कैसे फाइंड आउट करोगे आप कौन सी लोकेशन पर ईबीडी है, और ईबीडी कहाँ पर यूज़ होता है। ईबीडी बेसिकली एमरजेंसी एस्केप ब्रीदिंग डिवाइस, इसका जो फुल फॉर्म है। किसी भी स्पेस में जहाँ पे ऑक्सीजन का कमी हो गया है और मे बी स्मोक हो गया है, जहाँ से आपको इमीडिएटली एस्केप करना है और योर लाइफ मे बी इन डेंजर, तो वहाँ पे आपको ईबीडी यूज़ करके एस्केप करना है। ओके गाइस, एक्चुअली ईबीडी ऐसा दिखता है। नॉर्मली जो ईबीडीज आजकल शिप पे आते हैं वो इस तरह के होते हैं। ये बॉक्स है, इसके अंदर ईबीडी है और ये ऑरेंज कलर में होता है बेसिकली। बट जो मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा वो इस ट्रेनिंग ईबीडी में दूंगा। ये नॉर्मली ब्लू कलर का होता है और इस जस्ट फॉर द ट्रेनिंग पर्पसेस ओनली ईबीडी ट्रेनर। आप क्लियरली देख सकते हैं कि इसके ऊपर भी ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस दे रखा होता है, बट स्टिल इसको पढ़ने का टाइम नहीं होता जब आपको एस्केप करना है। सो यू शुड ऑलवेज नो हाउ टू यूज़ द ईबीडी इन केस ऑफ एमरजेंसी। तो इसको आप पहले यहाँ से लिफ्ट लिखा है, यहाँ पे इसको खोल दीजिए, इसे ओपन हो गया। तो अंदर से ये कुछ इस तरह का दिखता है, ठीक है। तो जो ईबीडी आपका रहेगा उसमें ऐसा एक एक इंडिकेटर रहता है जहाँ पे एक नीडल रहता है। नीडल अगर आप ग्रीन जोन में देखेंगे, इसका मतलब है जो इसके अंदर प्रेशर है वो इनफ है आपको एस्केप करने के लिए। ओके, इफ़ इट इज़ इन द रेड जोन इट मीन्स द प्रेशर इज़ लेस एंड समथिंग इज़ रॉन्ग विद इट। तो इससे अच्छा है कि उसको यूज़ करने के बजाय आप कोई और ईबीडी उठा के यूज़ करें। बट एज अ थर्ड ऑफिसर मेरा ड्यूटी रहता है, क्योंकि मैं हर मंथली इंस्पेक्शन में इसको चेक करता हूँ कि सारे जो ईबीडीज ऑन बोर्ड हैं वो सारे ग्रीन जोन में उनके प्रेशर जोन। ओके, इसके अंदर एक सिलेंडर है, उसके अंदर एक कंप्रेस्ड इन्होंने एयर डाल के रखी हुई है। इसका नॉर्मली जो ड्यूरेशन रहता है इट्स अबाउट 15 मिनट्स, पर इट डिपेंड्स कि वो आदमी सांस कैसे ले रहा है। क्योंकि अगर आपका रेट जो सांस लेने का रेट बहुत तेज़ है तो उसका ड्यूरेशन मे बी 10 मिनट्स भी हो सकता है, ठीक है। तो इन एमरजेंसी सिचुएशन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी जो ब्रीदिंग है उसको थोड़ा रिदम को थोड़ा स्लो डाउन करें, क्योंकि आई नो ये एक एमरजेंसी सिचुएशन है, उसमें आपकी ब्रीदिंग ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाती है। अपनी ब्रीदिंग को थोड़ा नॉर्मल करने की कोशिश करिए सो दैट द ईबीडी कैन लास्ट लॉन्गर एंड यू हैव मोर टाइम टू एस्केप। ओके, तो ऐसा कुछ दिखता है वो ईबीडी अंदर से, और इसको हम ऊपर से ऐसा खोल देंगे हम लोग। ओके, अंदर से इसको हम लोग बाहर निकालेंगे, इसके इसको बाहर निकालेंगे। आप देख सकते हैं कि एक ये अटैचमेंट है इसके साथ, ये सिलेंडर के साथ अटैच्ड है, ये आपका नीचे फिक्स्ड है। ओके, तो जैसे ही आप इसको बाहर निकालेंगे ना थोड़ा झटके से, तो ये निकल जाएगा, इससे ये सिलेंडर एक्टिवेट हो जाएगा और इसमें हवा नहीं चालू हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर ना एक ग्रूव्स बना हुआ है, इस ग्रूव्स पे ना आपको बाइट करना है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक जो इसके ऊपर ये ग्रूव्स बना हुआ है ये देख सकते हैं आप, इसके ऊपर आपको बाइट करना है, और उससे पहले ये जो नोज़ है आपका, नोज़ से भी इनहेल हो सकती है जो आपकी एटमोसफेयर की गैसेज हैं, जो बाहर का स्मोक है, टॉक्सिक गैसेज हैं, वो आपके नोज से भी इनहेल हो सकती है। तो उसको रोकने के लिए ये एक इसके साथ ऐसा क्लिप टाइप है, तो क्लिप आपको ये नोज़ पे ऐसे लगाना है और फिर उसके बाद ये बाइट करता है। तो इस तरह से आपको इनहेल करना है ताकि आप टॉक्सिक गैसेस को इनहेल ना करें। तो ईबीडी आपको कैसे यूज़ करना है, जब भी आप ऑनबोर्ड जाएं अपनी ईबीडी को कैसे यूज़ करना है उसका इंस्ट्रक्शन मैनुअल ज़रूर पढ़िए, और जो ट्रेनिंग ईबीडी है उसको देख के आप ज़रूर देखिए कि कैसे उसको एमरजेंसी से एस्केप के लिए यूज़ करना है। क्योंकि एमरजेंसी के टाइम में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप उसकी इंस्ट्रक्शंस को पढ़ सकें, बिकॉज़ आप पैनिक होंगे और टाइम भी आपके पास कम होगा। मे बी आप चोक कर रहे होंगे फॉर सम रीज़न कि आपको अच्छा हवा नहीं मिल रहा है, टॉक्सिक गैस की वजह से आपको मे बी डिजीनेस फील होगा, और स्मोक के केस में आप बहुत ही पैनिक हो जाएंगे और आप कुछ देख नहीं पाएंगे कि इंस्ट्रक्शन मैनुअल क्या लिखा हुआ है, इंस्ट्रक्शंस क्या लिखे हैं। तो आपको इमीडिएटली इसको खोल के इसको ऑपरेट करना आना चाहिए, और वहाँ से एस्केप करने का रास्ता भी आपको पता होना चाहिए। सो एमरजेंसी एग्जिट्स आप हमेशा अपने ब्रेन में रखिए कि अगर कुछ भी नहीं दिख रहा हो तब भी आप उसको कैसे एग्जीक्यूट कर सके, कैसे आपने आपको उस एमरजेंसी सिचुएशन से बाहर निकालना है, ये आपको पता होना चाहिए। तो अपने आप को काम रखिए, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपने आप को हमेशा काम रखिए ताकि आपका ब्रीदिंग रेट है जो वो थोड़ा कम हो।
इसलिए फिर वो जो ईबीडी है वो ज़्यादा टाइम चलेगा आपका, अदरवाइज आप जल्दी जल्दी ब्रीथ करेंगे तो उसमें से एयर जल्दी ख़त्म हो जाएगी। तो अपनी ब्रीदिंग को थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करिए। एक और चीज़ कवर करना चाहता हूँ कि जो ईबीडी की लोकेशन है वो आप फायर प्लेन से चेक कर सकते हैं। सो फायर प्लेन नॉर्मली एलिवेज में रहता है, तो अपने शिप पे जाके आप फायर प्लेन को देखिए और वहाँ पे आपको लोकेशन पता चल जाएगी कि ईबीडीज कितने हैं और कहाँ कहाँ पे है। ये फायर कंट्रोल एंड सेफ्टी प्लान है, यहाँ पे सारे एलएसए एंड एफएफए का लोकेशन वाइज डेमोन्स्ट्रेशन किया हुआ है और यहाँ पे कितने कितनी चीज़ें हैं डेक पे, इंजन रूम में, ये सारा यहाँ पे बताया हुआ है। तो हम लोग ईबीडीज का अगर चेक करना है तो ईबीडीज का जो साइन है वो आपको ये दिख रहा मिल जाएगा, इमरजेंसी एस्केपिंग ब्रीदिंग डिवाइस 6 और 5। 6 आपके इंजन रूम में है, 5 इज़ ऑन द डेक। ये ईबीडीज का जो आईएमओ सिंबल है यहाँ पे आपको दिखाया गया है लोकेशन वाइज कहाँ कहाँ पे रहेगा। ओके, जैसे थर्ड डेक पे यहाँ पे है, पोर्ट साइड में, स्टारबोर्ड साइड में यहाँ पे है। ओके, यहाँ पे आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सी लोकेशन में कौन कौन सा ईबीडी पड़ा हुआ है। ओके ओके गाइज, एक और बात मैं इसमें कवर करना चाहता हूँ कि जो ईबीडीज होते हैं वो सिर्फ एस्केप के लिए यूज़ होते हैं। एज द नेम सुजेस्ट, ईबीडी इज़ एमरजेंसी एस्केप ब्रीदिंग डिवाइस, तो इट्स ओनली फॉर द एस्केप पर्पसेस ओनली। ये कभी भी आप रेस्क्यू करने के लिए नहीं यूज़ करेंगे। अगर लेट्स से किसी एनक्लोज स्पेस में या फिर कहीं पे कोई आदमी अनकॉन्शियस हो गया और आप उसको रेस्क्यू करना चाहते हैं तो रेस्क्यू के लिए कभी भी ईबीडी यूज़ नहीं होता, ये हमेशा आप ध्यान में रखिए। क्योंकि आपको लगेगा कि मैं जल्दी से ईबीडी पहन के उसको रेस्क्यू करके आ जाऊंगा, पर आपके लिए वो सफिशिएंट टाइम नहीं होगा कि वो आप उसको रेस्क्यू कर सके ईबीडी के साथ। तो उसके लिए हमेशा एससीबीए सेट यूज़ होता है, जिसको सेल्फ कंटेन्ड ब्रीदिंग अपरेटस बोला जाता है, वही रेस्क्यू पर्पसेस के लिए यूज़ होता है। ईबीडी कभी भी रेस्क्यू पर्पसेस के लिए यूज़ नहीं होता, इट्स जस्ट फॉर एस्केप ओनली। सिचुएशंस कभी कभार ऐसी हो सकती है, मे बी योर फ्रेंड और मे बी योर कॉलीग इज़ डाइंग देयर और आप अर्जेंसी में जल्दी जल्दी ईबीडी पहन के नीचे जाके उसको बचाने की कोशिश करेंगे, पर इससे आप कभी भी किसी की हेल्प नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप खुद ही डेंजर में होंगे उस वक्त। तो आप कभी भी अपने आप को डेंजर में मत डालिए बिफोर हेल्पिंग समवन एल्स। तो हमेशा पहले आप अपने आप को सेव करिए, देन यू सेव द अदर पर्सन। तो आप हमेशा ईबीडी एस्केप के लिए यूज़ करिए, कभी भी रेस्क्यू के लिए मत यूज़ करिए उसको। सो आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। आई थिंक इस वीडियो में मैंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन कवर कर दिया है ईबीडी के बारे में। तो अगर आपको किसी और टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए, मैं और टॉपिक्स पे वीडियो बना रहा हूँ, मेरे पास थोड़ा टाइम कम होता है इसलिए मैं जल्दी रैपिडली वीडियो नहीं बना पा रहा, पर एनीवे आई जस्ट ट्राई टू कवर अप लॉट मोर टॉपिक्स एंड मैं जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगा। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड कॉमेंट बिलो इफ़ यू वॉन्ट एनी अनदर वीडियो on any another topic related to the merchant navy. So until then, see you next time guys, bye bye.